हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्या चीजें हैं, आज हम लोग जो आपका पॉलिटी मैं इस समय पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। पॉलिटी में हमने अभी शुरुआत में लगभग 11 लेक्चर आपके समाप्त हो चुके हैं। सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरी डिटेल के साथ मैंने बताई है, सभी की नोट्स दी जा चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है पॉलिटी में, अब हमें आज क्लास 12 पढ़नी है, जिसमें मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको शेड्यूल्स बता रहा था उसी दौरान मैंने चर्चा किया था कि इन शेड्यूल्स में जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग आपकी जो सब्जेक्ट्स रखी गई हैं, उनको लाने के पीछे मकसद क्या रहा, अन्य चीजें क्या रही, इन सभी पर जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आज उसी लेक्चर पर, ठीक है, उससे जस्ट आगे हम लोग आज बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चूंकि इनमें तमाम ऐसी चीजें आपकी छुपी हुई हैं जहां से सवाल पूछेगा, जहां पर भी आपके अच्छे क्वेश्चंस डालना हुआ वहां फीचर से ही सवाल पूछेगा। मेंस वगैरह में भी यहां से सवाल आए हैं, ठीक है। संविधान की जो है, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, अब उसमें लिखना होता है, तो मतलब दोनों जगह यह टॉपिक आपका पूछा गया है, इसीलिए दिमाग में हमेशा बनाए रखिएगा। आगे मैं जैसे जैसे बता रहा हूं उस हिसाब से सुनते चलो, जहां से प्रश्न बन रहे हैं उनको मैंने अलग किया है, छांटा भी है, ठीक है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हो, सवाल बन जाते, तो जो लोग जैसे जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ये लेक्चर है। यानी बहुत ध्यान से देखना है आपको चीजें, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर आप मिस कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। सारे लोगों को मालूम है कि ये सारे प्रोग्राम टीम आपको निःशुल्क जो है उपलब्ध करा रही, और निःशुल्क ये प्रोग्राम किसके तहत, ठीक है, 10+ कोर्सेस के अंतर्गत है। यानी वीडियोज हम सारे फ्री दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे आपसे। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी जो है क्लास का, और पीडीएफ पर आधारित आपको नोट्स जो है, मतलब क्लास पर आधारित अगर आपको नोट्स की जरूरत है, तो भैया आपको करना क्या होगा, आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन, और वो भी कितने दिन का, 3 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसमें हम आपको पीडीएफ जो है डेली तौर पर और क्विजेस भी आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और 3 महीने का ये जो सब्सक्रिप्शन है आपका भैया, ये नाम मात्र का शुल्क है, ठीक है। 500 रुपए यानी 150 रुपए महीना, और 150 रुपए की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। इतना तो आप 500 रुपए का एक बार में रिचार्ज भी करवा देते हो, वो चीजें अलग है, मैं उस पर नहीं कहता। लेकिन देखो भैया, जितनी चीजें बता रहा है अच्छे से डिटेल में सुनोगे फायदा मिलेगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्या शुरू करना है आज, हमें बताना है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अपने मना मस्तिष्क को यहां काबू करिएगा, कि ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उनको सुनते चलो, यानी सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। सबसे पहली बात आती है कि फीचर्स, ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की हमें विशेषताओं पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहली बात भैया, आखिर संविधान में हम कौन से फीचर जो है बात करते हैं। विश्व में जितने आपके राष्ट्र हैं इनमें जो संविधान बना है, इन राष्ट्रों में आखिर संविधान में कौन सा फीचर विशेषता उसकी क्या होगी। जाहिर सी बात है, हर एक चीज की क्वालिटी हम नपा जो है देखते जरूर है, संविधान के विशेषता बता, जितने भी विशेषता बतलाने वाले लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो सभी फीचर्स कहलाते हैं, संविधान की विशेषता कहलाती है, समझ गए। यानी भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, हमारे यहां बहुत विशेषता है, हमारे यहां विशेषताएं तो इतनी ज्यादा हैं कि आप कभी संविधान बोलता है ये करिए, कभी संविधान कहता है ये करिए, कभी संविधान ये, कभी संविधान वो, मतलब हर एक चीजों के बीच का रास्ता अपने संविधान में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो भारतीय संविधान ना कि आपका, हम ऐसा भी बोल नहीं सकते कि भारतीय संविधान एकदम आपका बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भारतीय संविधान इतना लचीला है कि जब चाहे तब हम इसको जैसा चाहे वैसा परिवर्तित कर दें, नहीं तो संसद आज तक बहुत कुछ हो चुका होता, आप सभी को मालूम है। इसमें हम आगे अगर बढ़ें दोस्तों, तो सबसे पहली चीज आती है कि भारत का संविधान है क्या। आगे देखिए, भारत विश्व में अगर मैं आपसे बात करूं तो विश्व में 2 तरह के संविधान होते हैं। कौन कौन से? विश्व में संविधान का जो पहला प्रकार होता है, यह प्रकार होता है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों के पास जैसे संविधान है, ये संविधान आपके लिखित होते हैं। वहीं दुनिया में दूसरे प्रकार का भी आपका संविधान पाया जाता है, जिसको अलिखित संविधान यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि जो संविधान कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य यह लिया जाता है कि अगर
ऐसे देश के संविधान है जिनमें जब चाहे हम नए नए कानून बदलते रहे, नए नए कानून वहां पर लाते रहे, तो उन संविधानों की श्रेणी वो है को अलिखित संविधान के अंतर्गत रखते हैं। तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। दूसरी बात आती है नम्यता और अनम्यता, यानी संविधान में ऐसी क्या चीजें हैं, संविधान में ऐसे क्या गुण हैं जिनको जब चाहे हम बदल दें, जब चाहे तब हम ना बदल पाए। भारत के संविधान में दोनों चीजों का सम्मिश्रण है, यानी बीच का रास्ता भारतीय जो है संविधान निर्माताओं ने अख्तियार किया कि हमें कभी हमें जो है बदलने की जरूरत पड़े, हमारे कानूनों नए कानूनों को समय के हिसाब से जरूरत पड़े, तो वहां पर ऐसी भी सुविधाएं हैं कि हम अपने संविधान को बदल भी सकते हैं, नए कानून ला भी सकते हैं। कुछ ऐसी भी सुविधाएं हैं जिन पर यह राष्ट्र पूरा चल रहा, पूरा प्रशासन चल रहा, वहां पर अगर देखे जाए तो जो है कुछ ऐसे मुद्दे भी रखे गए जिनमें के द्वारा हम किसी भी या जो अपने यहां विधि निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है यह उनमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। इन बदलावों पर अगर जो है एक पैनी नजर डाले, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, आपको ध्यान होगा अपने यहां विधि बनाने की सर्वोच्च जो संस्था है भारत में वह संस्था है आपकी संसद। संसद कानून बनाती है, कानून बनाती भी है, साथ ही साथ उसको जब जरूरत होती है कि यह कानून अब कोई कार्य लायक नहीं रह गए, वहां पर नए कानूनों का निर्माण उनमें संशोधन के माध्यम से हो जाता है। तो सरकार को पावर होती है कि वह नए नए कानून जनता के मुताबिक वर्तमान हालात के मुताबिक बनाती रहे, सरोकार होती रहे। तो उन्हीं पर आज आगे परिचर्चा बहुत विधिवत होगी, आपको बहुत ध्यान से देखते जाना है। जितनी चीजें मैं इसमें स्लाइड के माध्यम से आपको बता रहा हूं उनकी डिटेल व्याख्या भी बताता रहूंगा, क्योंकि इसमें इतने आपको पॉइंट मिलेंगे, विभिन्न ऐसे चर्चाएं करनी है हमें जिनका आपको व्याख्यात्मक रूप मिलना ही चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस जो है स्लाइड की ओर। फिर से क्वेश्चन निकल गया, पता नहीं क्या आदत हो गई है कि वो दिमाग में आपका सेव हो चुका है। तो एक एक चीजों का मैं बहुत विधिवत यहां पर चर्चा करूंगा, आपको करना क्या है बस उतनी देर तक, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से अपने आप को केंद्रित करके मेरी कही गई बातों को सुनते रहना है। मैं आपको सारे फीचर्स से यहां पर रूबरू करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर मैं डिफाइन करना हो हमें कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो आप शुरुआत कहां से करते हैं। देखो दोनों चीजें मैंने बताया, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आए हैं और प्रीलिम्स में तो यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी सवाल बनते हैं। ये पूरे संविधान का मैं आपको निचोड़ आज बता रहा हूं, यानी आपको बहुत विधवा समझना है कि संविधान में आगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है। तो ध्यान दें, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि भारतीय संविधान में जो विशिष्ट लक्षण शामिल है, इन सारे जो लक्षण हैं इनका एक सम्मिलित रूप भारतीय संविधान की विशेषता को दर्शाता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर देखें तो भारतीय संविधान का लिखित होना, गणतांत्रिक होना, यहां पर जो है प्रस्तावना में जितने आदर्श कहे गए, चाहे लोकतंत्र की व्यवस्था है, चाहे अपनी न्यायपालिका है, चाहे अपनी विधायिका है, ठीक है, चाहे कार्यपालिका है, सभी के बीच संबंध है, चाहे राज्य हैं, चाहे सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, दोनों के बीच में जो संबंध है, हमारे यहां संघात्मक शासन नहीं है और ठीक है हर एक स्टेट आपका स्वतंत्र भी नहीं है, फिर भी भारत संघात्मक की तरह व्यवहार करता है, ये सभी जो लक्षण है, ये सभी लक्षण कहीं ना कहीं हर एक देश के संविधान में पाए जाते हैं और वह स्पष्ट रूप से उस संविधान की लाक्षणिक व्यवस्था होती है। देखिए ध्यान दें, इसमें सबसे पहली चीज मैंने बताई कि विश्व में संविधान के दो प्रकार हैं। संविधान कुछ ऐसे देश मिलेंगे जहां के संविधान बहुत बड़े हैं, कुछ ऐसे देश मिलते हैं जहां के संविधान आपके बहुत छोटे होते हैं। बड़े देशों के संविधान में वहां पर जो अनुच्छेदों की संख्या होती है वह ज्यादा होती, जो छोटे देशों के संविधान ऐसे जो छोटे हैं उन देशों में हमेशा संविधान में शामिल अनुच्छेद आपके कम होते हैं। जहां की सरकारों को यह लगता है कि हम छोटी सी बातों के द्वारा अपने यहां कानून जो है अपने देश के नागरिकों के लिए पर्याप्त कर लेंगे, वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला कि लिखित तथा विस्तृत संविधान जो होता है, पहली चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखित एवं जो है विस्तृत यानी डिटेल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में मिलता है देखने को, तो भारतीय जो संविधान है यह आपका लिखित है, पूर्णतया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी चीजें लिखी हुई है। साथ ही यह विश्व के सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। अपने यहां संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जिनमें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से समय समय पर कई परिवर्तन किए गए और आज
अनुसूचिया और जो है अनुच्छेदों में कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको जैसा बताया कि विश्व में संविधान के दो प्रकार मिलते हैं, एक संविधान आपको मिलता है कि लिखित संविधान क्या होता है, दूसरा होता है अलिखित संविधान। भारतीय संविधान चूंकि लिखित संविधान है और लिखित संविधान होने के नाते ठीक है इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे पाए जाते हैं जिनको अगर कानून बन गया तो कानून हटाना है, वहां पर बहुत सारी चीजें बहुत प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विश्व में लिखित संविधान होते हैं जिसका उदाहरण अमेरिका है, भारत का संविधान है, वही चीज विश्व में दूसरा जो तरीका है वह अलिखित संविधान का प्रचलन है, जैसे कि आपके ब्रिटेन का संविधान हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह, यहां पर चीजें संविधान आपका अलिखित होता है। विश्व के किसी भी संविधान में भारतीय संविधान जितने अनुच्छेद नहीं है, ठीक है, अनुच्छेदों से भी सवाल आपका पीसीएस पूछता है, इसलिए मैंने अनुच्छेदों को भी आपको बता दिया है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा जो संविधान है भारत का संविधान है जहां पर अनुच्छेदों की संख्या आपकी लगभग 395, यानी इसमें अब चूंकि इसके पार्ट में जोड़े गए तो आजकल अगर एक पर्टिकुलर गिने तो वहां पर संविधान की संख्या आपकी बढ़ जाएगी, लगभग 465 के करीब हो जाते हैं, लेकिन मूल अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है तो वो आपके हमेशा 395 होंगे। सबसे छोटा संविधान पूछ लेता है विश्व का कौन सा देश है, तो वह राष्ट्र आपका अमेरिका है विश्व में जहां का संविधान सबसे छोटा है। इस अमेरिकी संविधान में सिर्फ आपके अनुच्छेदों की संख्या 7 है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जो अनुच्छेद है इनकी संख्या आपकी 128 है। वही चाइना का यानी चीन के संविधान की अगर हम बात करें तो चीन के संविधान में जो आपके अनुच्छेद है इनकी संख्या 138 है। ठीक है, उसके अलावा कनाडा का जो संविधान है इसमें अनुच्छेदों की संख्या आपकी 147 है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने यहां आप देखते हैं कि लगातार जो है बहुत सारे नए नए संविधान जो है अनुच्छेद आया करते हैं, उनमें हमें वक्त के अनुसार हम संशोधन करते हैं और नए नए अपने यहां विधियों को शामिल करते हैं। इन विधियों की वजह से संविधान के अनुच्छेदों में कोई उलटफेर ना हो, इस वजह से हमेशा अनुच्छेद नए अनुच्छेद अल्फा न्यूमेरिक सूची के अनुसार सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। उन कारकों की अगर हम बात करें, अपने यहां आप जानते हो हर एक राज्य का कानून अलग है और केंद्र का यानी संघ का कानून अलग है, यह भी विस्तृत लक्षणों में से है। हर एक अलग अलग जो स्वतंत्र आपके निकाय हैं उनके बारे में बहुत विधिवत जो है परिचर्चा की गई है, उनकी शक्तियों, उनके कार्य, उनके प्राधिकार, इन सभी का स्पष्ट आपको उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। यहां पर ध्यान दें, भारतीय जो संविधान निर्माता थे इन्होंने विभिन्न स्रोतों और विश्व के बहुत सारे अन्य देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। मैंने कल ही जैसा कि आपको बताया था कि लगभग 60 देशों के संविधान को यहां पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से पढ़ा, उनकी जो खूबियां थी उनको भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन अपने यहां जितने भी संविधान में फीचर शामिल किए गए हैं वो अन्य देशों की तुलना में व्यापक और उनसे भिन्न है। भारतीय संविधान में जितने अनुच्छेद आपके अन्य देशों की से शामिल किए गए वह भारतीय नागरिकों को बहुत व्यापक आपकी सुविधाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि अधिकार का अर्थ ही होता है कि लोगों को सुविधा प्रदान करना, यानी अगर किसी सुविधा के द्वारा किसी चीज पर हमारा हक हो वह अधिकार के अंतर्गत होते हैं। हालांकि मैं मूल अधिकारों में इन पर व्यापक परिचर्चा आगे करूंगा। यहां पर ध्यान दें, विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का जब अध्ययन किया भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जो जो फीचर्स उनको अच्छे लगते थे उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। लेकिन जब हम प्रशासनिक विवरण की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रशासनिक विवरण रहे वो प्रशासनिक विवरण किसी अन्य देशों से ना लेकर हमारे यहां 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए एक जो है आपका भारत शासन परिषद अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, उसमें जितने प्रावधान किए गए थे अधिकतर प्रावधान आपके किससे 1935 के भारत शासन जो है अधिनियम से लिए गए हैं। यानी प्रशासनिक जितने विवरण मिलते हैं उसमें अधिकतर छाप जो मिलती है वह किसकी है, वह 1935 के भारत शासन अधिनियम का है, वहीं से हम लोग इसको अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न प्रावधानों का भी भारतीय संविधान में समावेश किया गया है, यह हमारा एक फीचर है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंध, जिसके बारे में मैंने आपको भाग 7 के बारे में कल परिचर्चा की थी कि भाग 7 में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का वर्णन है, विधायी शक्तियों का, वित्तीय शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का, यहां पर विभिन्न तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है। आगे ध्यान दें, राज्यों का अलग संविधान न होने की वजह से राज्य प्रशासन से
संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में ही क्या किए गए, सम्मिलित किए गए, ठीक है। राज्यों का प्रावधान, राज्यों की सरकारों को सरकार चलाने का पूरा प्रावधान भारतीय संविधान में ही शामिल है, कोई अलग से नहीं है। वहीं संघ सरकार के जितने आपके प्राधिकार हैं, कार्य हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पद होते हैं जिन पर जो है सबसे अहमियत वाली समझी जाती है, उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से पूरी परिचर्चा भारतीय संविधान में की गई है, ठीक है। तो राज्यों के संविधान अलग ना होने की वजह से, इसी में शामिल होने की वजह से का भी एक बहुत बड़ा लक्षण बनता है कि भारतीय संविधान आपका एक विस्तृत संविधान बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय अपने यहां है, दोनों के बीच में एक क्या बनाया गया है, एक ऐसा तरीका एडजस्ट किया गया है कि हमारा संविधान बहुत ज्यादा नम्य भी ना हो, यानी जब हम चाहे तब पकड़ के मरोड़ दें, और बहुत ज्यादा अनम्य भी ना हो कि हम जब चाहे तो उसको मोड़ भी ना पाए। यानी ऐसी विधियों का निर्माण जिनका निर्माण संसद ने किया है, उन विधियों में जरूरत के हिसाब से अगर परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन कर भी सकते हैं। कुछ आपके ऐसे भी नियम है जो मूल संविधान में शामिल है, उनमें अगर किसी तरीके का परिवर्तन करना है तो परिवर्तन आपका बहुत आसानी से नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे इसका कहने का अर्थ वही था कि संविधान ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत अनम्य है, यानी संविधान, भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि जो विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है, यानी आपकी संसद है, वह संसद समय पर अगर उनको चाहे तो बदल ना सके। लेकिन इतना भी आसान चीजें भारतीय संविधान में नहीं शामिल की गई हैं, ऐसे नियम नहीं है कि भारतीय संसद जब चाहे उन्हें तब बदल सकती, यानी दोनों के बीच में मिक्सअप है, दोनों के बीच में एक हमने राह निकाली है, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक राह निकाली कि मान लीजिए ऐसी कोई सरकार बनती है जिसको लगता है संविधान में किए गए जितने प्रावधान है, इन सभी प्रावधानों को बदलकर हम क्या करें, तानाशाही शासन ले आए, क्योंकि सब कुछ संसद के हाथ में होता है, तो ऐसा भी प्रावधान बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान की अपनी अपनी एक विशेषता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगली चीज है लोकतांत्रिक गणराज्य की अगर हम बात करें, जो कि भारतीय संविधान की यह एक विशेषता है, क्योंकि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर घोषित करता है। ध्यान दें, इसका मतलब यह है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, हमारी संप्रभुता हमारे हाथों में है, मताधिकार का प्रयोग कर निर्वाचित जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे आपके सांसद हैं, इनके माध्यम से हम स्वयं को प्रशासित करते हैं, यानी ये प्रशासन हमारा स्वयं पर चलाते हैं, हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं, हमारे लिए कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, ज्यूडिशरी, सब कुछ ये हमारे द्वारा ही है, हम ही पर शासन है, तो ये सारी चीजें होती है। अगली चीज, भारत का सर्वोच्च अधिकारी यानी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति एक नियत समय के लिए चुना जाता है, इसीलिए हम क्या हैं, गणतांत्रिक राष्ट्र हैं, गणराज्य हैं, समझ गए। आगे बढ़ लेते भैया, इसके बाद क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप अपने यहां विश्व में, जब हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे तो विश्व में बहुत अलग अलग तरह की सरकारें मिलती हैं, मैंने उनके बारे में सबसे पहले आपके चैप्टर ये है भारतीय राजव्यवस्था शुरू करने में ही मैंने आपको सारे पॉइंट्स के बारे में बताए थे। यहां पर ध्यान दें, सरकार का जो संसदीय रूप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ जो है गवर्नमेंट, इसको हमने अडॉप्ट किया, और यह हमने कहां से लिया, हमने ब्रिटेन में देखा, ब्रिटेन में लंदन में वेस्टमिंस्टर एक जगह है जहां पर ब्रिटेन की संसद है, इसलिए भारतीय सरकार की जो संसदीय प्रणाली है, इस प्रणाली को बेस्ट जो है वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी संसद है, ठीक है। तो अपने यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, क्यों, क्योंकि हम इससे रूबरू थे, हमें कई चीजें इनके बारे में पता थी कि विधायिका क्या होती, मैंने आपको 1919 और उन सभी में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है स्पष्ट रूप से, आपको याद भी होगा, जिन्हें ये चीजें नहीं याद है वो आप पुराने लेक्चर्स पर जाएं, वहां डिटेल में सारी चीजें बताई गई है, उन्हें स्पष्ट रूप से देखिए। यहां पर अगर हम बात करें कि भारत ने ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ, लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जहां पर हम अपने ऊपर जो शासन करते हैं, विधि निर्माण की हमारी जो संस्था है, सरकार चलाने का जो हमारा माध्यम है, उसमें हम डायरेक्ट जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हम पर प्रशासन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके अलावा कार्यकारिणी जो होती है, यानी जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, विधायिका यानी जो कानून का निर्माण करती, कार्य जो आपकी कार्यपालिका है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या सत्ता में विधायिका के विश्वास तक रहती है, यानी जब तक विधायिका है 5 साल, जब तक आपके विधायक जी बने हैं, सांसद जी बने हैं, तब तक कार्यपालिका उनके लिए जवाबदेह बनी रहेगी, कोई भी कानून बने तो कानूनों को लागू कराना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। इन पर मैंने बहुत व्यापक परिचर्चा आपसे की है कि कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, दो रूप में, एक अस्थाई कार्यपालिका होती, एक अस्थाई कार्यपालिका होती,
अस्थायी कार्यपालिका आपकी जो पॉलिटिशियंस की होती है ये होती है, ये 5 साल के लिए आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन अस्थायी जो कार्यपालिका होती है वह आपकी क्या होती है, जितने भी आपके आईएएस आईपीएस ये सारे लोग हैं ये अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्या है, ये लगभग 60 साल तक बने रहते हैं और जितने कानून है कानूनों को लागू कराना इन्हीं के अंतर्गत, ये 5 साल के बाद जाने वाले नहीं, यानी हर एक जगह पर हमेशा बने रहने वाले। तो कार्यपालिका में 2 विभेद होते हैं, उनके बारे में हम लोग इससे पहले के लेक्चर्स में परिचर्चा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से किया जाता, अपने यहां जो केंद्रीय जो सेंट्रल जो है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का जो गठन किया जाता चुनाव किया जाता है वह विधायिका से करते हैं, जबकि मैंने आपको अमेरिकी सरकार के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था कि अमेरिकी सरकार में जो राष्ट्रपति के साथ एग्जीक्यूटिव होता है ठीक है, वहां की जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका से अलग होती है, इसीलिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। हमारे यहां चूंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव बनी है वह विधायिका से चुनी हुई होती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव में बैठे हर एक मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ठीक है। तो यह भारतीय संविधान का एक बहुत अच्छा फीचर हो गया। हमारे यहां जो सरकार का सर्वोच्च है वो क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी उन्हीं में से एक चुना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं संसदीय संप्रभुता एवं संसद की स्थिति को लेकर, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि यहां से सवाल आपका बनता है। कैसे सवाल बनता है ध्यान दीजिए, यहां पर संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ क्या होता है, संसदीय सर्वोच्चता यानी जहां संसद आपकी, ऐसे देश जहां पर संसद जो चाहे वो करे, संसद ही आपकी सब कुछ है, ऐसी जो है जगहों को विधायी सर्वोच्चता बोलते हैं, यानी जहां कानून ही आपके सब कुछ होते हैं। यह संसद को सर्वोच्च विधायी प्राधिकरण बनाती है जिससे कि संसद किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है या नए कानून बना सकती है, जहां पर आपका क्या है विधायी सर्वोच्चता जहां पर आपको मौजूद होगी। वही चीज अगर यह देखें कि अगर संसद जो कानून चाहे वह बना सकती, जो कानून चाहे वह जो है हटा सकती है, तो क्या संसद को इतनी पावर हो गई कि संसद पूरा संविधान पलट दे? ध्यान दें इन कथनों पर, इसका अर्थ यह हुआ कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं पारित कर सकती जिसे भविष्य में स्वयं संसद के द्वारा संशोधित ना किया जा सके, यानी जब संसद को इतनी पावर है कि संसद जो जिन कानूनों को चाहे उनको परिवर्तित कर दे, जिन कानूनों को चाहे उन पर कानून निर्मित कर दे, तो संसद ऐसा कभी भी कोई कानून नहीं बनाएगी जिनको वह स्वयं अमेंड करने की क्षमता ना रखती हो। आगे ध्यान दें इसमें, और साथ ही न्यायपालिका कानून को रद्द नहीं कर सकती है ठीक है। जब ऐसे कोई कानून बन गए तो वहां पर चीजें क्या, जहां पर विधायी शक्ति ही सर्वोच्चता हो गई वहां पर दिक्कत आएगी, यानी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती जिन देशों में संसदीय सर्वोच्चता वाली चीजें आती हैं। संसदीय संप्रभुता की दृष्टि से निम्न सिद्धांत इसके विरोधी, मैंने संसदीय सर्वोच्चता की बात की है, अब मैं बात कर रहा हूं संसदीय संप्रभुता ठीक है। संसदीय संप्रभुता की जब बात देखी जाए तो इसमें कुछ आपके सिद्धांत इसके विरोध में आते हैं, कौन कौन से, संविधान की सर्वोच्चता जहां संसद संप्रभु है वहां संविधान की सर्वोच्चता नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात शक्तियों का पृथक्करण नहीं होना चाहिए, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है यह चीज संसदीय संप्रभुता में नहीं होनी चाहिए, संसद अपने कानून अलग से देखती है, अपने यहां राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल अपने यहां कानून चलाने के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण करते हैं, यानी राज्यों में विधियां भी बनती हैं और केंद्र में विधियां बनती ही बनती हैं, तो वो अपने यहां क्या ये आपको लक्षण देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 3 पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, अब इनका उपयोग आपको करना है जहां पर आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे। भैया न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, ये जो जुडिशियल रिव्यू की थ्योरी है प्रिंसिपल है ये है कुछ निश्चित परिस्थितियों को छोड़कर अगर नहीं हो रही तो संसदीय संप्रभुता इसके खिलाफ होती, क्योंकि संसदीय संप्रभुता का अर्थ हुआ संसद ने जो कर दिया तो संसद सर्वोसर्वा, अगर न्यायिक जो है सक्रियता बनी है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है तो वहां पर संसद की सर्वोच्चता को ठेस पहुंचती है। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है, मैंने आपको बताया भी ये पढ़ाते वक्त, जो संसदीय संप्रभुता है ये ब्रिटिश संविधान का जो है पार्ट है, इस वजह से हमने कुछ चीजों को क्या किया है यहां पर मिक्सर के तौर पर आपको मिलेंगी। आगे बात करिए भारतीय संसद की स्थिति को, ये तो आप समझ गए, अब भारतीय संसद चूंकि हमने लिया तो संसदीय प्रणाली भैया ब्रिटेन से, ब्रिटेन के इतने लक्षण क्या अपने यहां है, समझो यही बात है। भारतीय संसद की स्थिति को अगर मैं देखें
यहां पर चर्चा करें तो भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह निरंकुश नहीं है। ब्रिटिश संसद क्या है, अपने आप में सर्वोसर्वा है, भारतीय संसद सर्वोसर्वा नहीं है। यह संविधान के अधीन है, अपने यहां संविधान संसद को पावर देता है, इसे संविधान से ही अधिकार मिलता है, ठीक है। या केवल उन विषयों पर ही कानून बना सकती है जो संघ सूची में या समवर्ती सूची में शामिल हैं, ऐसे जो है विषयों पर ही कानून आपकी संसद बनाती है। इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन सारे कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सारे कानून जो संसद के हैं वह न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधीन आते हैं, यानी न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दे सकती है जो संसद के नियम जो है संविधान में जितने आपकी विधियां दी हैं उनके खिलाफ हो, ठीक है। तो यहां संसदीय सर्वोच्चता आपको नहीं मिली, क्योंकि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि अगर उसे कोई ऐसे कानून मिलते हैं, नए कानूनों का निर्माण होता है जिनसे विधायिका कहीं ना कहीं अधिकारों में कमी करना चाह रही, तो ऐसे जो है उस कानून को विधायिका नन जीरो घोषित करने की पावर रखती है, और यह पावर कौन देता है, संविधान देता है। आगे बढ़ते हैं, संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं, इनसे सवाल हमेशा पूछा है, हमेशा पूछता है भैया कि निम्न में से कौन सा एक संघीय विशेषता है, पहचानिए संविधान की संघीय विशेषता, या निम्न में से कौन सा एक संविधान की एकात्मक व्यवस्था है, इसको पहचानिए। उन्हीं पर मैंने देखो भैया, भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द आपको प्रयुक्त नहीं मिलेगा, फिर भी भारत एक संघीय गणतंत्र है। अपने यहां संघीय शब्द नहीं लिखा, फिर भी हम एक संघीय गणतंत्र हैं, इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि अनुच्छेद एक क्या बोलता है कि भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद एक बोलता है। यानी अपने यहां जैसे अमेरिकी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, अमेरिकी झंडे को आप देखते हो, अमेरिकी झंडे में 50 सितारे बने हैं, यानी छोटे छोटे आसपास के 50 वहां पर जो है राष्ट्र थे जो किन्हीं ना किन्हीं मजबूरी बस आपस में एक समझौता करते हैं और 50 राज्य राष्ट्र मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं, बड़े देश का निर्माण कर लेते हैं, और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हिंदी में बोलते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। कई राज्य आपस में संयुक्त होके एक राज्य बनाए जिनका नाम है अमेरिका। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कोई भी राज्य समझौते से नहीं शामिल है, यानी किसी भी राज्य को यूनियन से अलग होने की पावर नहीं है, यह संविधान ने ही समाप्त कर रखा है, तो अनुच्छेद एक यह बोलता है अपना। वही चीज भैया, कोई भी जो संघीय राज्य होगा, फेडरल अगर आपके स्टेट है तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि जो संघीय राज्य होता है, ठीक है, संघीय राज्य में सरकार के दो स्तर होते हैं तथा शक्तियों का वितरण, इनके संविधान की व्याख्या एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का समाधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से होता है। जो संघीय राज्य है वहां सरकार के दो स्तर होते हैं, अपने यहां भी है तो हम संघीय शब्द नहीं लिखते, लेकिन है अपने यहां फीचर। इनके अलावा संविधान की व्याख्या एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, संविधान की व्याख्या करनी है तो संघात्मक अगर वह शासक है, शासन है वहां, तो केंद्र उसकी संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगी, अपने यहां भी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका करेगी, अपने यहां भी वही कंडीशन है। केंद्र एवं राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, अपने यहां भी है। हमने संघीय शब्द कहीं नहीं लिखा, फिर भी हम संघीय की सारी चीजों को रखते हैं, लक्षणों को रखते हैं, इन्हीं सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहां पर मैंने एकदम अलग अलग लिख दिए हैं कि संघात्मक लक्षण कौन से होते हैं और आपके एकात्मक लक्षण कौन से होते हैं, तो इन्हीं को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहां से परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। इधर मैंने लिख रखा है कि संघात्मक लक्षण कौन से हैं, इधर मैंने लिख रखा है कि आपके एकात्मक लक्षण कौन से हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी देश जहां सरकार के दो स्तर केंद्र एवं राज्य के बीच में, ठीक है, सरकार के दो स्तर अगर मिले तो वहां समझ जाओ कि वह राष्ट्र क्या है, संघीय लक्षण रखने वाला राज्य है, ठीक है। जहां पर राज्य और केंद्र में दो सरकारें मिले वह संघीय राज्य होता है, ठीक है। एकल अगर जो है एकात्मक लक्षण की देखें तो जहां पर भी एकल नागरिकता पाई जाती है वो समस्त देश आपके एकात्मक लक्षण वाले। अब भारत में यह भी फीचर है, सरकार के दो स्तर हैं, एकल नागरिकता भी है, यानी अपने यहां संघात्मक शासन के भी लक्षण है, एकात्मक शासन के भी लक्षण है। और चीजों को देख लो, विश्व में ऐसे देश जहां शक्तियों का विभाजन दोनों के मध्य है, केंद्र और राज्य के मध्य है, वह सारे देश आपके संघात्मक शासन के अंतर्गत है। भारत में दोनों के बीच में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बीच में विवरण है, क्या हम संघात्मक है, नहीं,
अगली चीज देखो, विश्व में ऐसे राष्ट्र जहां पर एकीकृत न्यायपालिका है वह सभी एकात्मक लक्षण वाले अपने यहां है। ठीक है, इसी में आगे बढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में अगर देखें कि एकात्मक लक्षण में कौन सी आती है, तो जहां पर भी अखिल भारतीय सेवाएं पाई जाती हैं वह एकात्मक लक्षण के अंतर्गत आता है। अपने यहां व्यवस्था है, यह भारतीय संविधान के दोनों लक्षणों को मैंने अलग करके लिखा है। जो जो फीचर्स जिनके अंतर्गत आते हैं उन्हीं को मैंने यहां पर आपको लिख रखा है। तो भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण अखिल भारतीय सेवाओं का है। वही चीज आगे बढ़े, देश का सर्वोच्च कानून अपने यहां संविधान है, यह संघात्मक लक्षण के अंतर्गत आने वाली आपकी व्यवस्था है। आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं इनके ये है एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं और भारतीय संविधान में यह पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है अपने यहां, यह संघात्मक लक्षण के जो है उदाहरण है। वहीं राज्यों के जो अपने राज्यपाल हैं यह एकात्मक लक्षण के उदाहरण के अंतर्गत आता है। सबसे अंतिम चीज, शीर्ष पर अपने यहां जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है, यह भी संघीय लक्षण का एक उदाहरण है। तो विश्व के सारे देशों के संविधान से जहां पर अलग अलग सरकारों का जो रूप दिखाई पड़ता है कि कहीं पर क्या है, कहीं पर आपके जो है संघात्मक सरकारें हैं, कहीं पर एकात्मक सरकारें हैं, इन दोनों के जब हम जो है परिचर्चा करते हैं, इन दोनों के लक्षणों को देखते हैं, तो भारतीय संविधान, मैंने तमाम ऐसी चीजों के बारे में आपको बताया जिनमें से भारतीय संविधान में वो दोनों लक्षण आपके पाए जाते हैं। उनके बारे में हमेशा चाहे लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा रही हो या अन्य एग्जाम होते हैं उनमें सवाल पूछे गए हैं। इसी वजह से आपको इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है, और आगे इनके बाद हम किस चीजों पर बढ़ते हैं, फीचर सभी बाकी हैं। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, अगले पॉइंट को मैंने उठाया है असममितीय संघवाद, यानी संघवाद की जो अपने यहां थ्योरी है यह सब पर बराबर नहीं है। एक जैसी संघवाद की जो है थ्योरी हम पर क्यों नहीं लागू होती, इनके पीछे बहुत सारे रीजन है। उन रीजन पर बात करते हैं, कुछ राज्यों को हम विशेष अधिकार दिए बैठे हैं, कुछ राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। तो विशेष अधिकार के अंतर्गत जितने राज्य आते वही स्पेशल क्यों है, अन्य राज्यों को वो अधिकार नहीं है, यह असममित को दर्शाता है, बराबरी नहीं है इन चीजों में। ठीक है, इन वजह से जैसे जम्मू कश्मीर 370 हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात है अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य है। वही चीज नागालैंड की बात करें अनुच्छेद 371 ए के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा है। असम की बात करें 371 बी के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा है। मणिपुर की बात करें अनुच्छेद 371 सी के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा है। आंध्र प्रदेश की बात करें अनुच्छेद 371 डी ई के तहत इसको जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला है। वहीं चीज सिक्किम की बात करें अनुच्छेद 371 एफ के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा है। मिजोरम की अगर बात करें तो अनुच्छेद 371 जी के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अनुच्छेद 371 एच के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा है। वहीं अगर गोवा की बात करें तो अनुच्छेद 371 आई के तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत में इस समय 10 ऐसे आपके राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। यहां पर केंद्र के द्वारा कुछ विशेष तरीके की जो है योजनाएं भी चलाई जाती हैं, इन सभी के लिए कुछ पैकेज विशेष होते हैं। ये अपने यहां क्या है, असममितीय संघवाद है, यानी हर एक चीजें बराबर नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार कुछ को नहीं। तो इसीलिए इसको असममितीय संघवाद की तुलना भारतीय संविधान में दी जाती है। अगली चीज बात करते हैं भारतीय संविधान के विशेषताओं में, तो वह है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को हमने दूसरे देशों से देखकर लिया, लेकिन जितना व्यापक तौर पर भारतीय संविधान में शामिल है उतना किसी भी अन्य राष्ट्र में नहीं मिलेगा। अपने यहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत समाहित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हर एक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई है। भारतीय संविधान में वही नीति निदेशक तत्वों की बात करें कि भारत की प्रस्तावना भारत को एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर घोषित करती है। इस वजह से अपने यहां भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो हर एक राज्य को निर्देश देते हैं कि वह अपने राज्य के रहने वाले सारे नागरिकों के लिए विशेष तौर पर कोई उपाय करे, उनके काम को लेकर के, रोजगार को लेकर के, भोजन को लेकर, रहने सहने को लेकर, हर एक चीजों की सुविधाओं का ध्यान भारतीय संविधान में पूरी तरीके से शामिल किया गया है।
इनमें राज्यों को निर्देश देने की पॉलिसी है। इसको हमने शामिल तो आयरलैंड जैसे देशों से किया है, लेकिन भारत जैसे देशों में यह बहुत ही व्यापक तौर पर लागू है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीचर्स में, अगली चीज आती है एकीकृत न्यायपालिका। अपने यहां विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है, यानी न्यायपालिका पर ना तो विधायिका का कोई हस्तक्षेप है, ना ही जुडिशरी पर एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका को कोई हस्तक्षेप पाया जाता है। इसी वजह से भारतीय जो न्यायपालिका की स्थिति है या विश्व में आदर्श न्यायपालिका के तौर पर आती है। वहीं चीज भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है, यानी गार्जियन ऑफ द इंडियन जो है फंडामेंटल राइट की भी इसको उपाधि मिली है। यानी न्यायपालिका ही अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो आपके बैठे हैं राज्यों के वो अनुच्छेद 226 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यहां पर आप रिट दायर करके इनसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिकाओं को बहुत ही व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। रिट के माध्यम से यह तरह तरह की रिटें जारी करके और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं वहीं पर, इनके अलावा कौन से प्रावधान है अपने भारतीय जो है किसकी, अपने भारतीय संविधान की। तो भैया अगला पढ़ लें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका जैसे अगर राष्ट्रों की बात किया जाए तो अमेरिका जैसे राष्ट्रों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मैंने इससे पहले ही आपको परिचर्चा की, अमेरिका राज्यों का एक समझौता है कि ना कि भारत के जैसा राज्यों का एक संघ है। अपने यहां कोई भी राज्य किसी समझौते के तहत संघ में शामिल नहीं हुई है। वहीं अमेरिका में हर एक राज्य में वहां पर आपको यह विशेषता मिल सकती है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का, किसी प्रांत का उसके निवासी हो लेकिन वह अमेरिका का निवासी नहीं हो सकता। यह अमेरिका में दोहरी नागरिकता बताती है। अपने यहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, फिर भी भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता है। अब आप समझदार हैं, दोहरी नागरिकता को भारतीय संविधान में समझ सकते हैं कि कैसे है। अपने यहां एकल नागरिकता का प्रावधान है लेकिन भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता है। जब मैं दोहरी नागरिकता आपको मतलब भाग दो पढ़ाऊंगा, वहां पर दोहरी नागरिकता के सारे मापदंडों को आपके सामने रखूंगा कि भारतीय संविधान आखिर दोहरी नागरिकता का प्रावधान कैसे कैसे करता है। अब सारे लोग जानते हैं अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो चर्चित मुद्दा रहा यह है नागरिकता को ही लेकर रहा है। इस वजह से नागरिकता के सारे प्रावधानों को आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यह क्या है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी आपका जो यूनिवर्सल राइट टू वोट होता है, हर एक व्यक्ति जो उस देश का नागरिक होता है उसको सरकार में भागीदारी इसी हिसाब से मिलती है कि वह वोट के माध्यम से सरकार में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। यह विश्व के उन सभी गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देशों में लागू है जो अपने आप को लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र बोलते हैं। ब्रिटेन लोकतंत्र तो रखता है लेकिन साथ ही साथ ब्रिटेन में गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहां पर जो राज्य का आपका अध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो आज भी वहां के राजा रानी होते हैं जिनका पद एक वंशानुगत है, ना कि आपके कहीं से भी भारत की स्थित भारत का जो आपका सर्वोच्च आपका पद है, भारतीय राज्य का सर्वोच्च पद जैसा कि राष्ट्रपति है। अपने यहां राष्ट्रपति का हम लोग इलेक्शन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हर एक नागरिक भागीदार होता है। आगे बढ़ते हैं, अपने यहां वयस्क मताधिकार। जब से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वयस्क मताधिकार कैसे कैसे दिए गए, इनमें जब मैं आपको एक्ट पढ़ा रहा था उन एक्टों में मैंने परिचर्चा की थी कि पहले राइट टू वोट किनको किनको अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब राइट टू वोट हर एक व्यक्ति को है, यहां तो ना अमीर से मतलब है, ना जो है गरीब से मतलब है, ना हमें बुजुर्ग से मतलब है, ना हमें नवयुवक से मतलब है। 18 अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह वोट देने के अधिकार पर उसको हक हो जाता। हर एक वोट की वैल्यू एक के बराबर है, चाहे भारत का आपका राष्ट्रपति वोट देगा या आपके अनिल अंबानी वोट देंगे या एक गरीब मजदूर रिक्शा चालक वोट देगा, हर एक वोट की वैल्यू एक है। यह क्या दर्शाती, यह सभी में समानता का जो है स्पष्ट रूप से भाव देती है। आगे बढ़ते हैं, मूल संविधान में जो वयस्कता थी अपने यहां एडल्ट्री एक तरीके से बोल सकते हो, एडल्ट्री हालांकि कानून में कुछ और शब्द होता है, लेकिन अपने यहां वयस्कता जो थी वह मूल संविधान में 21 वर्ष रखी गई थी। यानी भारत का कोई भी वह नागरिक जो मिनिमम 21 वर्ष की आयु को धारिता रखता है वह वोट देने का अधिकारी होगा, लेकिन बाद में जब समय में ऐसी जरूरत पड़ी इसमें संशोधन किया गया और उस वक्त की बात है 1989 की, जब 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से
वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह है यूनिवर्सल राइट की चीजों को और बढ़ावा देती है, यानी भारत का हर एक 18 वर्ष का आम नागरिक वोट देने का अधिकारी है और वह किसी भी स्थिति में है तो उसके वोट की वैल्यू एक वोट के बराबर होती है। यानी अमीरी और गरीबी के बीच में यहां आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। आपातकालीन शक्तियों के बारे में जब हम भारतीय संविधान में प्रावधानों को देखते हैं तो विश्व में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। अपने यहां सारी चीजें हर एक कानूनों का निर्माण, कानूनों का लागू कराना हर एक पार्ट अलग अलग स्तर पर अलग अलग संस्थाओं को दिए गए हैं। विधायिका का कार्य है कि कानून का निर्माण कराना, वहीं पर एग्जीक्यूटिव का कार्य है आपके कानूनों को लागू कराना। लेकिन अगर विधायिका किसी भी कानून को ऐसे जब चाहे तब निर्माण करके या जब चाहे तब इमरजेंसी लागू करा सकती है तो वहां पर ऐसा नहीं संभव है। भारत का जो सर्वोच्च आपका पद है यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में सारी पावर इमरजेंसी प्रोविजंस की निहित होती है, ठीक है। यानी इन सभी को लागू कराना, इनको कैसे कैसे किस वक्त पर कौन सा आपका आपातकालीन उपबंध लागू होगा, उन सभी की शक्तियां, उन सभी के प्राधिकार राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। यह सब कुछ आपका भारतीय संविधान उसे दायित्व देता है। इनमें भारतीय संविधान में तीन तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तीन प्रकार के अलग अलग आपातकालों के बारे में चर्चा करता है। इसके बाद अगर चीजों के बारे में बात करें कौन से आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। उसके बाद जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या किसी भी आधार पर हो सकता है उनमें चीजें आती हैं। अधिकतर यही होता है कि जब हमारे बाहरी मुल्क से हमला हो, युद्ध की स्थिति हो, वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। दूसरी बात आती है संवैधानिक तंत्र की विफलता या जिसको हम राष्ट्रपति शासन के तौर पर देखते हैं अनुच्छेद 356। ठीक है, किसी राज्य में अगर उस राज्य का शासन वहां के राज्य विधान पालिका के द्वारा नहीं है, जो है स्पष्ट रूप से चल पा रहा है, तो वहां पर अनुच्छेद 356 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तीसरी होती है आपकी वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी के सारे प्रावधान अनुच्छेद 360 के तहत है। जब भारत सरकार को ऐसा लगना लगे कि भारत की वर्तमान में अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा जो है नीचे जा रही, वहां पर ऐसी स्थिति के दौरान भारत में के संविधान के अनुच्छेद 360 में ऐसी भी स्थितियों का वर्णन किया गया है कि भारत सरकार आपातकालीन प्रावधान प्रयोग कर सकती है, वह भी वित्तीय आपातकाल। तो इतने सारे फीचर्स भारतीय संविधान के रहे जो मैंने आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से बताए हैं। इनका प्रयोग अभी देखिए, सारी चीजें आपके दिमाग में बिंदुवार गई होगी। जब हम लोग आगे पार्ट वाइज इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो वहां और ही भी व्यापक स्थिति इनकी आपको स्पष्ट होगी जो आपको भारतीय संविधान से भी जोड़ेगी। तो आगे मिलते हैं इसके बाद, तब तक मस्त रहिए, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।